हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मजे में हूँ, मैं भी मजे में हूँ। तो आज मैं आपको बनाने चाहूँगी प्याज के पराठे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को फुल एंड तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम ये चार प्याज। इन प्याज को हम छील लेंगे। ये देखो, मैंने इसका छिलका साफ उतार लिया। अब इसको हम काटना स्टार्ट करेंगे। देखो, इस तरह से काटेंगे। इसका पहले रूट पार्ट निकाल देंगे हम। ये वाला रूट पार्ट होता है, इसको निकाल देते हैं। फिर इसकी पतली पतली स्लाइसेस काटना स्टार्ट करेंगे एक बड़े बाउल में। जितना पतला हो जाएगा उतना पतला काटेंगे, जिससे पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, ना फटेंगे ना बिगड़ेंगे, अच्छे से बनेंगे। इसलिए कह रही हूँ वीडियो को फुल लेंथ तक देखें। देखो, इस तरह से एकदम पतली पतली स्लाइसेस काट कर रही हूँ। दही के साथ या सॉस के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं आप प्याज के पराठों को। ऐसे देखो, पतली पतली साइज में कट कर लूँगी। वीडियो को फुल एंड तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, ये अच्छे से कट चुकी है। इसको हम अलग सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे सबको, सारी स्लाइसेस को अलग अलग कर लेंगे। सारी स्लाइसेस अच्छे से अलग हो चुकी हैं। वाह, देखो ये स्लाइसेस हमारी अलग हो चुकी हैं। अब हम डो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम आटा। ये गेहूँ का आटा लिया मैंने, आप चाहो तो मैदा का आटा भी ले सकते हो। ये एक बाउल ले लिया मैंने, इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। एक पराठा लेंगे, उसमें डाल देंगे आटा। आटे के बाद डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, ताज़ा धनिया है ये। आप चाहो तो इसमें मेथी पत्ती या पालक पत्ती, जो भी आप चाहते हो वो डाल सकते हैं। मैंने धनिया पत्ती डाले हैं। अब इसमें हम डालना स्टार्ट करेंगे पानी। अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा लेंगे। मुझे तो अभी से मुँह में पानी आ रहा है। बारिश के सीजन में प्याज के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करें। देखो, अच्छे से मैंने डो लगा लिया। अब थोड़ा सा घी लेके इसको सेट करके, ये थोड़ा सा घी लिया मैंने, इसको इस तरह से डाल के सेट करने के रख देंगे आटा ऐसे। जब तक हमारा आटा सेट होगा तब तक हम इसमें प्याज में हम मसाले डाल लेंगे। ये देखो, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखो, सेट करने रख देंगे। वाह, देखो इतना सॉफ्ट लगाया मैंने। अब इसको हम प्लेट से ढक के रख दिया। उसमें हम स्पाइसी डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम धनिया पाउडर। फिर इसके बाद डालेंगे हम रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च, अपनी तीखेपन के हिसाब से डालेंगे, जितना तीखा आप खाते हो। उसके बाद हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च भी अपने तीखेपन के हिसाब से डालें। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना कड़वाहट आएगी। इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। ग्रीन चिली भी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। देखो, अजवाइन ले लिया, इसको हम अच्छे से ऐसे मसल के डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आटे से ऐसे रफ करके डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फिर इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम अच्छे से हाथों से रफ कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये देखो अच्छे से कसूरी मेथी डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमारे एक मेन इंग्रेडिएंट रह गया है, देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब डालेंगे हम अपना मेन इंग्रेडिएंट जो कि है सॉल्ट, नमक स्वाद के अनुसार। जब पराठे बना रहे हो ना तभी डालेंगे नमक को, वरना ऐसे डाल के नहीं रखेंगे, वरना ऐसे पानी पानी हो जाएगा तो पराठे अच्छे बनेंगे नहीं, इसलिए जब बना रहे हो तभी नमक डालें। एंड में डालेगा सबसे ज़्यादा नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है नमक अपना। ये देखो अच्छे से हमारा स्टफिंग तैयार हो चुकी है प्याज के पराठे की। चलो हमारा डो भी सेट हो चुका है, अब जल्दी से पराठा बना लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखो ऐसे लोई हम बना लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे। देखो ये चार लोई बनके तैयार हो चुकी है हमारी। अब इसको हम एक एक करके बेलना स्टार्ट करेंगे। ये गैस पे रख दिया मैंने तवा गरम करने के लिए। अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डस्ट और उसमें डाल देते हैं। अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। देखो इतना थोड़ा सा बेल के फिर इस पर हम स्टफिंग लगाएंगे प्याज पराठे की। अब स्टफिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। स्टफिंग लगा दिए, अच्छे से लगा देंगे। अब इसको ऐसे मार लेंगे, देखो इस तरह से। अब इसको दोबारा से भी लेंगे। थोड़ा सा बेसन और डाल देते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, हल्का सा पतला होना चाहिए। देखो इस तरह का ये मैंने पराठा बेल लिया। अब इसको हम सेक लेते हैं। इस पर डाल दिया मैंने ये पराठा, इसको मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे जिससे अच्छे से क्रंची हो जाए। इसको अलट पलट कर अच्छे से घी से सेक लेंगे। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। चलो अब हम घी लगाना स्टार्ट करते हैं। से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखो कितना अच्छे से गया ना गाइस, वाओ खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है गाइस। इसको अच्छे से क्रंची हो जाने देंगे। ये अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम उतार लेते हैं। एक बेल के रखा हुआ था मैंने, उसको भी हम डाल लेंगे। ये देखो इसको भी डाल देते हैं, इसको भी ऐसे ही सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से अलट पलट कर। हाई फ्लेम पे सेकते हैं तो या तो पराठे जल सकते हैं या फिर क्रंची नहीं हो पाएंगे। मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। वाओ देखो ये इसका कलर भी कितना अच्छा है।
बिल्कुल भी नहीं फटे पराठे हमारे। आप भी मेरी मेथड से बनाएंगे तो आपके भी नहीं फेंक देंगे। कितना मस्त का है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये भी अच्छे से छुपे छुआ। चलो प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपके पास दही हो तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए स्पून से ऐसे स्प्लिट कर देंगे। दूसरी साइड भी केचप डाल देते हैं। ऐसे स्प्लिट कर देंगे पूरा। अमेजिंग प्याज के पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। Thank you for watching. Bye-bye.